फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में मेरे मिस्टर के साथ। हेलो। और आज हमारी सवारी निकली है पठानकोट की तरफ, क्योंकि ये लोहड़ी पे घर आए थे लेकिन लेके कुछ नहीं आए। जान दे देंगे इसके लिए। और मैंने बोला चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे इनको लूटा जाएगा, वो भी अच्छा खासा। बहुत तेज हो रहा है। तो इसलिए हमारी गाड़ी चल पड़ी है पठानकोट की तरफ। तो आज खूब सारी होगी शॉपिंग। हाँ, ये कर लो पहले। पठानकोट में हमें मतलब ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे ज्यादा प्रेफर करती हूँ शॉपिंग करना। तो बस जा रहे थे शॉपिंग के लिए, तो सोचा आप सबको भी दिखाऊं मैं आज क्या क्या शॉपिंग करने वाली हूँ। अबे जल्दी बोल। और इनके लिए क्या लेंगे वो भी देखेंगे। ये कह तो रहे लेना कुछ नहीं है, क्या पता मन बन जाए। और घर के लिए भी हम शायद अगर कोई चीज हमें पसंद आएगी तो हम पेरेंट्स के लिए भी देखेंगे। उन्होंने तो खास बोला है कि हमारे लिए कुछ नहीं लाना, लेकिन यार जब लेके के जाए उनको खुशी भी तो मिलती है। मैंने सोचा कि अगर हमें पसंद आएगा तो हम जरूर लेंगे उनके लिए भी। तो बस अभी हम पहुँचे। हम कहाँ पहुँचे? हम बस पठानकोट एंटर करने वाले हैं। रेलवे लाइन क्रॉस की है और ये शॉर्टकट है सुजानपुर से पठानकोट पहुंचने का। तो हम यहीं से जाते हैं, हम वो लंबा रास्ता नहीं मतलब वहां से नहीं जाते, यहां से ही जाते हैं अक्सर। बस अभी 5-10 मिनट में पठानकोट पहुंचेंगे, हम एंटर कर लेंगे। ओनली 10 मिनट लेफ्ट एंड शॉपिंग स्टार्ट। कंट्रोल। तो गाइस, मैंने पठानकोट में एंटर कर लिया है और ये पठानकोट लिखा, वो देखो वहाँ पे लिखा है डलहौजी चंबा, वेलकम टू पठानकोट। शादी वाली गाड़ियां बहुत दिख रही है, मेरा मन भी कर रहा है चलो फिर से शादी कर लेते हैं। तो हम पठानकोट पहुंच चुके हैं और मुझे बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं कौन से मॉल में पहले कब्जा करने वाली हूँ। इतनी खुशी तो लो जी, ये हो गई मार्केट स्टार्ट और आप देख सकते हैं कितनी सारी शॉप है यहाँ पे, और इस साइड भी पूरी मार्केट भरी पड़ी है, दुकानें सारी ओपन है इस टाइम। और ये सेल पे जो 100-100 के जो कपड़े बिकते हैं वो भी अलग से लगाए हुए हैं लोगों के लिए। तो चलिए थोड़ा आगे हम जाएंगे सीधा, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है मार्केट के अंदर जो छोटी छोटी गलियों से होकर निकलता है, और अब हम जाएंगे सीधा आगे की तरफ। तो ये देखो पठानकोट कितना बड़ा है हमारा, मतलब कठुआ भी ठीक है इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब सारी मार्केट है गलियों में बाहर। और ये बहुत पॉपुलर दुकान है, ये मेडिकल स्टोर रूपलाल, यहाँ पे हर मतलब जो आपको मेडिसिन कहीं नहीं मिलेगी यहाँ पे जरूर अवेलेबल होगी वो। और ये चौक में ही है, इसलिए यार पठानकोट आके शॉपिंग करने का मजा ही आ जाता है। आज भी ये रिक्शा यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो शोरूम स्टार्ट हो गया, लोटो का है, एडिडास है, पेपे जीन है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, व्हाट एवर यू वांट। यहाँ पे आओ और शॉपिंग करो, और कठुआ में भी शॉपिंग करो, जो कठुआ में नहीं मिलता है वो पठानकोट पे आके शॉपिंग करो। तो गाइस अभी हम कैप्सूल में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या पसंद आता है और क्या नहीं। सामने पेपर जीन और लिवाइस का स्टॉक रखा है। तो चलो भाई, हमारी सर्च तो हो गई है स्टार्ट, अब देखते हैं कि क्या क्या पसंद आता है मुझे। तो गाइस कहाँ से स्टार्ट करूँ, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा आगे जाकर सब तरफ देख लूँ। ये यहाँ प्यूमा है 40% यहाँ भी ऑफ दे रहे हैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं आगे क्या क्या मतलब और कितना परसेंट ऑफ चल रहा है सारे जगह मैं पहले देख लूँ। तो गाइस अभी तक तो कुछ भी पसंद नहीं किया मैंने, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ मैम अच्छा नहीं लग रहा तो आप थोड़ा नीचे जाकर एक बार देख लीजिए, वहाँ पे भी लेडीज़ के लिए बहुत सारी वैरायटी है, तो एक बार नीचे चल के भी देख लेते हैं। यार कुछ भी पसंद नहीं आया,
तो हम फटक से यहाँ निकले टाइम वेस्ट ना करते हुए। भैया जो हमारे साथ थे उन्होंने शूज़ लेने थे, तो इसलिए हम पहले प्यूमा के शोरूम में आए, उनके लिए शूज़ देखते हैं, फिर देखती हूँ मैं अपने लिए। तो गाइस शूज़ वहाँ से भी पसंद नहीं आए, तो हम अब नेक्स्ट पहुँच चुके हैं लिवाइस के शोरूम में। अब यहाँ पे भगवान कुछ ना कुछ तो पसंद आ जाए, तो देखते हैं क्या पसंद आता है हम सबको। फाइनली यहाँ से थोड़ी शॉपिंग हमारी हो चुकी है और हम अभी विल बनवा रहे हैं, और नेक्स्ट हम मोंटी कार्लो से भी हमारी शॉपिंग थोड़ी हो चुकी थी, यहाँ से भी हम अभी विलिंग करवाने वाले हैं अपनी। और ये जीन देख रहे हैं भाई अपने लिए और मेरे हस्बैंड, और मैंने ये दो ट्राउज़र अपने लिए पसंद किए हैं मोंटी कार्लो के, और मैं भी अभी अपने विलिंग यहाँ से करवाऊँगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ से हमें और शॉपिंग करनी है। ये सब शॉपिंग मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ मैंने उस दिन क्या और क्या नहीं लिया था, इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ गाइस आप पेशेंस रखना। आज सिर्फ मैं दिखाऊँगी कहाँ कहाँ से मैंने शॉपिंग की, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी कि क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। तो लो जी हो गई है शॉपिंग डन, तो अभी यहाँ से चलते हैं। और सेम इसी बिल्डिंग के नीचे नीवा का भी स्टोर है, मतलब वहाँ पे भी इस टाइम ऑफ़र चल रहा है 50%, और मैं सोच रही हूँ वहाँ पे भी एक चक्कर लगाया जाए, क्या पता वहाँ पे भी कुछ पसंद आ जाए। तो देखते हैं वहाँ से मैं किस किस के लिए लेती हूँ और क्या क्या मुझे पसंद आता है। तो गाइस ये एक जैकेट और मुझे स्वेटर पसंद आई है, ये मैं बाद में बताऊंगी ये मैं किसके लिए ली है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके आपको अच्छी लगी ये जैकेट और स्वेटर। तो गाइस यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हमें मिल गए हैं, और अभी मैंने यहाँ से जैकेट और स्वेटर लिया है, और भैया ने भी कुछ स्वेटर्स लिए हैं, तो अभी यहाँ से भी हम जा रहे हैं और यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं अभी हमें कहाँ जाना है। तो गाइस इससे पहले कि हम थोड़ी और शॉपिंग करते, तो मेरे हस्बैंड को कोई कॉल आ गया था, तो वो कह रहे थे कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा घर, और जो शॉपिंग बच गई है वो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, तो इसलिए घर वापस जा रहे हैं। लेकिन घर वापस जाने से पहले हमने सुबह से मतलब जो नाश्ता किया वो ही, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, जितनी भी शॉपिंग हो गई है वो अच्छी हो गई है, तो जो बची कुची वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, तो उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस भैया के शूज़ तो हम भूल ही चुके थे, तो रास्ते में एक हमें शॉप और मिली, तो हमने वहाँ से फाइनली भैया के शूज़ भी पसंद कर लिए, तो अब हमारी शॉपिंग थोड़ी बहुत हो गई डन। तो इसलिए अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट खाने के लिए, फिर उसके बाद सीधा घर पे। तो गाइस आज का ब्लॉग जहाँ पे ही ख़त्म करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग ये पसंद आया हो, तो यार जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है।